स्टोरी के साथ। एक व्यक्ति था जो मजदूर था जो मिट्टी खोदने का काम करता था और मिट्टी खोद के अपने गधे पे ले जाके अपने मालिक को बेच दिया करता था, यही उसका रोजगार था। एक दिन जब वो मिट्टी खोद रहा था तो उसको उसने एक चमकदार पत्थर मिला। वो चमकदार पत्थर उसको देखने में अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, उसको निकाल के अपने गधे के गले में बांध देता है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो मिट्टी लेके उस आदमी के पास जाता है जहां पर उसे देना है। तो जब वो रास्ते में जाता है तो उसी गांव का एक व्यक्ति जो कि परचुनी की दुकान, परचुनी मतलब किराने की दुकान वाला होता है, वो देखता है कि उसके गले में बहुत समकदार सुंदर सा पत्थर है। तो वो उससे कहता है ये पत्थर ये क्या है, उन्होंने कहा पत्थर है मुझे खदान में से मिला है। तो उसने कहा तुम मुझे ये दोगे, तो उसने कहा हाँ। तो बोले इसका मूल्य, उसने कहा एक किलो गुड़ जितने में आना है, मुझे एक किलो गुड़ दे दो उसके बदले। तो वो कहता है ठीक है, उसकी कीमत थी 50 रुपए गुड़ की कीमत, तो वो उसको दे देता है। उसके बाद वो जो दुकान वाला होता है जो तराजू होता है उस तराजू में उस पत्थर को लगा लेता है, उसको लगता है ये कोई बहुत अच्छी चीज है जो केवल मेरे पास है, तो तराजू में लगा लेता है। एक दिन घूमते घूमते उस जो गांव में वहां एक जौहरी आता है, वो जौहरी उस परचुनी की दुकान पर जाता है और वहां देखता है कि इस तराजू में तो जो चमकदार पत्थर है वो हीरा है, पहचान जाता है। तो वो दुकान वाले से कहता है कि मुझे ये पत्थर दोगे, तो उसने कहा हाँ दूंगा। उसने कहा कितने मूल्य में, उसने कहा 100 रुपए में। तो वो जो जौहरी होता है वो बहुत ही कंजूस होता है, तो वो कहता नहीं 100 रुपए नहीं 80 रुपए में दूंगा। तो वो कहता नहीं 80 में तो नहीं दूंगा, मैंने इससे जिससे खरीदा है उससे 50 रुपए दिए हैं, तो कम से कम 100 रुपए में बेचूंगा, मुझे 50% प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो वो कहता है मैं आपको नहीं दूंगा। तो वो जो जौहरी है वो सोचता है मैं कल लेके जाऊंगा, हो सकता है कल इसका मन बदल जाए और कल ही मुझे 80 रुपए में दे दे, और चला जाता है। उसी दिन शाम में एक और जौहरी उस गांव से निकलता है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो सोचता है चलो मैं बाहर थोड़ा घूमा। तो वो भी घूमते घूमते जब उस दुकान के सामने से जा रहा है तो वो देखता है उस तराजू के उस चमकदार पत्थर को, तो वो पहचान जाता है ये तो बहुत बेशकीमती हीरा है। तो वो उसके पास जाके कहता है क्या तुम मुझे ये दोगे, तो वो कहता है हाँ। कितने रुपए में, 100 रुपए में, तुरंत ले लेता है। वो कहता है सुबह भी एक जोरी आया था और वो 80 रुपए की बहस 20 रुपए के पीछे उसने वो छोड़ दिया, वो जोरी जो है 100 रुपए में उसको लेके चला जाता है। अब अगले दिन जो पहला वाला जोरी था वो वापस से आता है और उससे कहता है मुझे वो पत्थर दे दो, तो वो कहता है मैंने तो बेच दिया। उन्होंने कहा कितने में, 100 रुपए में। तो वो उसने कहता है तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें पता है उस पत्थर की कीमत लाखों में थी और तुमने उसको 100 रुपए में बेच दिया। तो वो कहता है जो परचुनी वाला है वो कहता है कि मूर्ख मैं नहीं मूर्ख आप, मुझे तो खैर उस पत्थर की कीमत नहीं पता तो मैंने 100 रुपए में बेच दी, लेकिन आप तो जानते थे कि वो पत्थर बहुमूल्य है, फिर आपने उसे क्यों 20 रुपए के पीछे छोड़ा, आपने कल उसे क्यों नहीं ले लिया, तो बेवकूफ मैं नहीं बेवकूफ आप चाहते तो उसको ले लेते। तो ये बताइए इस कहानी से कुछ आपको समझ में आया, क्या शिक्षा मिल रही है इस कहानी से, मौका उसने क्या बोला, आपके पास मौका था कि आप उस पत्थर को ले सकते लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। आप सब विद्यार्थी हो, आपको भी जीवन में मौके मिलते हैं, हम उस मौके का उपयोग नहीं करते हैं, किस चीज में कल करते हैं, कल कर लेंगे, क्या पता वो कल मौका आपको मिले ना मिले। जब आपको मौका किसी भी चीज का मिल रहा है, आप 10th में हो, 10th में आने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, 10th में अच्छे से परसेंट लेके आओ, ये मौका आपके पास इस साल है, आप मेरिट में आ सकते हो, आप बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, पढ़ाई के अलावा भी आपके पास बहुत से मौके आते हैं, उन मौकों को गंवाना मत करना, मौका एक बार उस मौके को पहचानो, क्या पता ये मौका आपके लिए बहुमूल्य हो, ये मौका आपका जीवन बदल दे, तो कभी भी अपने जीवन में कोई भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। अब बताओ कहानी।